हे गाइस, आज हम एडोब एनिमेट सीसी के अंदर जो आपके कमेंट्स होते हैं, कमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कुछ लेंगे। तो कमेंट में बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कन्वर्ट टू सिंबल क्या है और क्रिएट न्यू सिंबल क्या है। एक्चुअली मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये देखते क्रिएट करते एक डॉक्यूमेंट नॉर्मल, और मैं आपको क्लियरली या फिर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं। अभी इसका कलर भी वाइट है, इसलिए बैकग्राउंड कलर के हिसाब से वो मैच होके दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये है क्या है, शेप है, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट टू सिंबल कर सकते। देखो, कन्वर्ट टू सिंबल करने के बाद इसमें टाइप्स भी होते हैं सिंबल्स के, जैसे कि ग्राफिक, मूवी क्लिप और बटन। सो हम फिलहाल ग्राफिक देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो होता है वो भी इसके बारे में ही बताऊँगा, चाहिए तो बाद में बताता हूँ। तो इसको मैं पहले ओके कर देता हूँ। ये आप चाहिए तो नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स ओके। तो यहाँ पे ये देखो बॉक्स आ गया, ठीक है। तो सिंबल्स क्यों बनाते हैं, ये मैंने पहले ही लेक्चर बना के रखा है, आप लोग चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये सेकेंड लेक्चर है मेरा। तो यहाँ पे देखो, ये सिंबल मैंने बनाया है जो कि यहाँ पे क्या है, सेव हो गया। मतलब यहाँ से स्टेज के ऊपर अगर डिलीट कर दिया तो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और जितनी चाहिए उतनी बार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लेके आ सकते हैं। प्लस सेम सिंबल होने की वजह से क्या कर सकते हैं, देखो हम जब इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और अंदर जाके कुछ भी चेंजेस करते हैं। देखो, मैंने डबल क्लिक किया और अंदर चला गया, और यहाँ पे मैं ऐसे मॉडिफाई कर रहा हूँ तो सबके अंदर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको बोला जाता है इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब उसी ही कॉपी होती है, लेकिन अगर एक में चेंजेस किया जाए तो दूसरे में भी होता है। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करके बाहर आता हूँ, मैं यहाँ पे साइड में डबल क्लिक किया और बाहर आ गया, ठीक है। तो बाहर आने के बाद ये अगर हम चेंजेस करते कुछ भी, जैसे कि अभी ग्राफिक है तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म टू लेके छोटा कर रहा हूँ, तो इसमें नहीं होगा। तो अंदर जाने के बाद इंस्टेंस का जो भी हम शेप या फिर कलर चेंज करेंगे, उसके हिसाब से बाकी भी इंस्टेंसेस या फिर कॉपीज बोल सकते हैं हम इसकी, तो वो भी चेंजेस होंगे, ठीक है। और उससे पहले ओके, इतने तक हो गया। रजिस्ट्रेशन पॉइंट भी ज़रूरी होता है, मैं उसके बारे में आगे अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमने अभी जो भी किया था उसका नाम क्या था, कन्वर्ट टू सिंबल दिखाई दिया, ठीक। और एक होता है जो कि होता है, देखो इसको आप सिलेक्ट करोगे या फिर इसको जैसे कि यहाँ पे मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके इसको कट करूँगा। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, कट किया, इंसर्ट न्यू सिंबल। हमने क्या किया था पिछली बार, कन्वर्ट टू सिंबल किया था, और अभी क्या किया, न्यू सिंबल। तो ये शॉर्टकट भी अलग है। देखो, पहले था एफेक्ट सिर्फ, और यहाँ पे है कंट्रोल प्लस एफेक्ट। सो न्यू सिंबल जब हम क्रिएट करेंगे तो ये भी एक सिंबल ही बनेगा, लेकिन ये न्यू बनेगा। न्यू मतलब एक्चुअली एक ब्लैंक क्रिएट करते। देखो, जैसे कि मैं बॉक्स टू कर देता हूँ, अगर वन कर दूंगा तो अगर सिर्फ बॉक्स लिखूंगा तो ये प्रॉब्लम देगा। मतलब देखो, ओके करता हूँ, क्या बताया एरर कि द नेम बॉक्स इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ यूज़ अ डिफरेंट नेम। तो हमें दूसरा नाम यूज़ करना होगा, तो इसलिए मैं वन कर देता हूँ या फिर टू कर दो, आगे तो हो जाएगा। ओके कर दिया। अभी हम कहाँ पे आ गए, देखो अभी हम सिंबल के अंदर आ गए। सिंबल के अंदर मतलब हमने बॉक्स वन बनाया था ना अभी, तो ये बॉक्स वन है। देखो, सीन वन के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, बॉक्स वन। तो बॉक्स वन के अंदर है हम, जैसे कि मैं दिखा था। देखो, राइट क्लिक करके अगर मैंने जो कट किया था वो मैं पेस्ट इन सेंटर कर देता हूँ, तो देखो ये सेंटर में पेस्ट हो गया, दिख रहा है। तो सेंटर में पेस्ट हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, फिल हो गया। तभी हमें सिर्फ क्या करना है, देखो सीन वन में क्लिक करना है यहाँ पे। तो सीन वन में क्लिक कर किया मतलब हम सीन में आ गए, पूरा का पूरा सीन। और जो भी अब हम थे, कहाँ पे थे, इस सिंबल के अंदर थे, बॉक्स वन के अंदर थे। कैसे थे, देखो यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके अंदर जा सकते हो। मैं कहाँ पे गया, लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पे अगर मैंने डबल क्लिक किया तो हम अंदर चले जाते ऐसे, ठीक है। उसको ऐसे भी एडिट कर सकते हैं, और बाहर आने के लिए
एक तो साइड में डबल क्लिक नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें सीन वन में यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और इस बॉक्स को वापस हम लेके आ सकते हैं यहाँ से लाइब्रेरी के अंदर। वो सेम कंसेप्ट है, लेकिन ये तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हम क्या स्टार्टिंग में जो हमने किया था वो क्या था, एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि ये शेप ऑब्जेक्ट है। मैं इसको अगर डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में दिखाऊंगा, देखो ये शेप है, तो इसको राइट क्लिक करके मैंने क्या किया था, कन्वर्ट टू सिम्ब, और हमने वापस से इसे ही क्या किया था, कॉपी करो या फिर कट करो, कट किया था इंसर्ट न्यू सिंबल बना के उसको चाहे तो नाम दे दो और ओके करके हमने यहाँ पे में हमने क्या किया था, पेस्ट सेंटर किया था। सो ये हमने क्या किया था, न्यू सिंबल क्रिएट किया था, लेकिन दोनों का काम एक ही है। देखो दोनों का रिजल्ट एक ही है, दोनों क्या कर रहा है, दोनों सिंबल ही बना के दे रहे हैं हमें। तो यूज़ क्या है दोनों के, बेनिफिट्स क्या है, तो देखो कैसे यूज़ किया जाता है। अभी पहले हम आते हैं कन्वर्ट टू सिंबल में। तो कन्वर्ट टू सिंबल मतलब देखो, जो भी आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करते समय आपको उसको एक सिंबल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कन्वर्ट टू सिंबल कर दो और उसको आप सेव कर दो आपके लाइब्रेरी में। तो ये सेव हो गया सिंबल टू, ओके। बाकी के चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंबल टू हो गया। तो अभी यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अंदर जाके भी यहाँ पे भी डबल क्लिक करके हम अंदर भी जा सकते हैं, जो कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो शेप मिलेगा, बेसिक जो होता है जब ड्रॉ करते तब सिंबल बनाने से पहले, तो ये शेप होता है, और बाहर आएंगे तब ये ग्राफिक रहेगा, मतलब क्या रहेगा, एक सिंबल ग्राफिक रहेगा। तो यहाँ पे ये हमने कन्वर्ट टू सिंबल किया, ठीक है। और इसका यूज़ क्या, पहले हम देख लेते हैं। देखो अभी हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे हम एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट की फ्रेम, ओके। देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, और इसे उठा के यहाँ पे मैंने 15 में भी एक इंसर्ट की फ्रेम दिया, 30 पे भी दिया, और 15 पे जाके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आया। बस यहाँ पे बीच में राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, क्लासिकल ट्विन दे दूँगा। मेरे पहले वाले भी वीडियोस आप फॉलो कर कीजिए ताकि आपको और भी क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो ये सिर्फ डाउट्स है जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एनिमेशन के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता फिलहाल। मैंने सिर्फ बेसिक एनिमेशन के जो बॉक्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे करके, सॉरी हाँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल एनिमेशन मैंने किया है, तो ये एनिमेशन हमने किया। उसके बाद अगर हमें लगता है कि इसका एनिमेशन भी बॉक्स का जो शेप एनिमेशन है वो भी चेंज करना है, तो हम चाहे तो डबल क्लिक करके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अंदर भी जाके हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फ्रेम करेंगे और यहाँ पे हम चाहे तो शेप एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हमें देखना नहीं है फिलहाल। तो एक सिंबल जो बनाया हमने अभी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफिक जो बनाया वो एनिमेशन के लिए बना है फिलहाल, ठीक है, और रिजर्व करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर। तो ये नॉर्मल बोल सकते हैं कि एनिमेशन करने के लिए सिंबल बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो कि यहाँ पे देखो, सॉरी, इंसर्ट न्यू सिंबल। अभी अगर आपको लगा कि इसको और एक बार हमें ग्राफिक करना है, ठीक है, ये जो सारा एनिमेशन है ना पूरा का पूरा, इसको हम और एक बार ग्राफिक करेंगे या फिर सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू सिंबल करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो सिर्फ इस वन जो यहाँ पे आपको की फ्रेम दिख रही है ना, सिर्फ इसी की फ्रेम के ऊपर वो सिंबल होगा। देखो मैं ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पे आते हम इसको अगर सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये सिंबल वन है, यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे ये सिंबल टू है, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे सिलेक्टेड था ये शायद से, और यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये भी सिंबल टू है। ओ एक मिनट, हाँ बराबर, सिंबल वन क्रिएट किया ना अभी भी मैंने, तो सिंबल वन यहाँ पे है, क्रिएट हो गया अपने आप, ठीक है। तो ऐसे नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, ये वाला पूरा का पूरा एनिमेशन एक सिंबल के अंदर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट न्यू सिंबल।
तो अगर हमने टाइमलाइन के ऊपर जो भी एनिमेशन करके रखा है उसे एक सिंबल के अंदर डालना है तो हमें क्या करना है, इंसर्ट न्यू सिंबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सब की फ्रेम्स को, राइट क्लिक करेंगे, कट फ्रेम्स कहाँ पे गया, ये रहा कट फ्रेम्स, इंसर्ट न्यू सिंबल, और ये चाहिए तो मैं लास्ट बॉक्स करके रख देता हूँ, या फिर एनिमेशन बॉक्स जो भी आपको लगेगा अच्छा वो कर दो। ओके कर दिया, और मैंने क्या किया था, कट फ्रेम्स किए थे, या फिर कॉपी फ्रेम्स भी कर सकते हो, और ये सारा मैंने पेस्ट फ्रेम कर दिया, तो जो भी एनिमेशन था वो अंदर आके देखो। मैंने क्या किया, लाइब्रेरी के अंदर आप देख सकते हो एक सिंबल बनाया लास्ट बॉक्स करके, कैसे बनाया सिंबल, मैंने न्यू सिंबल करके बनाया, और सारा एनिमेशन मैंने किसके अंदर पेस्ट कर दिया, इस लास्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दिया। और एज यूजुअल जो हम करते हैं कि हम उस सिंबल को लेके आएंगे यहाँ पे, और देखो ये एनिमेशन हो गया। तो हमने क्या किया, अंदर अगर डबल क्लिक करके जाएंगे देखो लास्ट बॉक्स के अंदर तो ये एनिमेशन गया, और वापस यहाँ पे सिलेक्ट करके देखेंगे तो ये क्या रहेगा, सिंबल वन, या फिर एक सिंबल रहेगा, या फिर ग्राफिक बोल सकते हैं हम, क्योंकि ग्राफिक टाइप है यहाँ पे। तो अंदर डबल क्लिक करके जाएंगे तो वापस से यहाँ पे हमें सिंबल मिल रहा है, और अगर और भी डबल क्लिक करके जाएंगे तो वापस से सिंबल मिल रहा है, सॉरी अभी शेप मिल रहा है हमें। सो यही डिफरेंस था कि जब हमें क्या करना है, नॉर्मल एनिमेशन करना है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को पहले हम कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे और बाद में एनिमेशन करेंगे, और जब यहाँ पे एनिमेशन किया हुआ है पूरे टाइमलाइन के ऊपर, और वो उसको आपको एक सिंबल के अंदर क्रिएट करना है या फिर सिंबल के अंदर डालना है, तो आपको क्या करना है, उन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके कट फ्रेम्स करके न्यू सिंबल करके करना है। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।